पंजाब यूनिवर्सिटी में पुट्टा के इलेक्शन है लेकिन इस बार इलेक्शन में एक खास अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें उसमें यह बात भी ऐड करी है कि कैंपस बंदरों से और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनसे मुक्त होगा और ये वादा जिस ग्रुप ने किया वो मेरे साथ हैं डॉक्टर नरेश और डॉक्टर नीरज मेरे साथ हैं इनसे पूछते हैं सर मंकी मैनस और स्ट्रीट डॉग्स की बहुत प्रॉब्लम है पंजाब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की हम बात करें रेजिडेंस की हम बात करें आउटसाइड की हम बात करें इस प्रॉब्लम का अभी तक कोई निदान नहीं हुआ आपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया है कैसे करेंगे और ये वादे की कैसे सोचिए आप ये जब हम हमारे यहाँ एडमिशन होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में तो उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं उनके पेरेंट्स हैं वो विज़िट करते हैं और हमारे बिल्कुल जो ये बाउंड्री है उसके बैक साइड में एक जंगल रह पड़ता है तो उसमें बड़े सारे मंकीज़ आ जाते हैं तो इससे पहले हमारे मंकीज़ को भगाने के लिए लंगूर यूज़ करते थे लेकिन आजकल वो बंद हो गए हैं बैन हो गए हैं वो यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए कुछ आउटसोर्सिंग पे स्टाफ को हायर करना पड़ेगा जो उनकी आवाज़ निकाल लें या वो अपने टेक्टिक्स लगाएंगे जो उनको शू अवे करें दूर भगाएं उनको यहाँ से कैंपस से तो उसके लिए हमने ये स्कीम बनाई है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अपॉइंटमेंट कराएंगे और उनको जो है कैंपस के जो प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे ज़्यादा हमारे रेजिडेंशल एरियाज़ हैं या फिर वो जहाँ पर मंकीज़ ज़्यादा संख्या में आते हैं उनके लिए हम जो है वहाँ पे तैनाती कराएंगे और उनका एक नंबर भी फ्लैश कराएंगे ताकि उस नंबर पे अगर किसी को इस तरह की समस्या आती है तो वो तुरंत जो है ना उस पर इंफॉर्मेशन दें और कार्रवाई की जा सके उसके अलावा डॉग्स का स्टेरलाइजेशन के लिए अभियान हाँ चलवाएंगे वो एम के साथ मिल ही पॉसिबल हो पाएगा तो ये हम उसके हिसाब से सोलूशन कराएंगे सर डॉग की जो स्टेलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी चल रहा है लेकिन आपने कैंपस फ्री की बात करी है स्ट्रीट डॉग की स्ट्रीट डॉग कैंपस फ्री कैसे हो सकते हैं नहीं स्ट्री डॉग्स को कैंपस से भगाना नहीं है हमें लेकिन उनकी जो जनसंख्या है या उसके जो स्टेलाइजेशन है उससे उसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं ताकि वो दूसरे जो आम विद्यार्थी हैं या स्टाफ हैं या हमारे फैकल्टी मेंबर हैं उनको अटैक ना करें और उनको हार्म ना करें तो इस तरह से हम उनको फ्री करने का मतलब ये नहीं कि उनको हमने बिल्कुल यहाँ से भगा देना है नहीं ऐसा नहीं है देर आर डॉग लविंग पीपल आल्सो हु आर रिजाइडिंग हु फीड द डॉग्स है ना तो हम उनका जो एम के साथ मिलकर जो स्टेटलाइजेशन अभियान है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके लिए उनको ज़्यादा मोटिवेट करेंगे डॉक्टर नीरज अभी तक हम बात करें दूसरा ग्रुप है सुपिंदर और नौरा ग्रुप वो अभी तक जीते आए हैं पाँच साल से आप इस बारी किस तरह उन्हें डिफीट कर पाएंगे और मैनिफेस्टो में आपने कौन कौन से बातें की मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा मैनिफेस्टो है जब हम कैंपेनिंग के लिए निकले थे टीचरों से मिले थे डिपार्टमेंट में गए घरों पर गए तो हमने ये देखा कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कभी भी मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं बने तो हमने उन छोटे मुद्दों को भी इसमें लिया हुआ है और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम रिजॉल्व करें जहाँ तक दूसरी टीम की बात है देखिए क्या होता है कि आप देखोगे कि जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे कि पाँच साल से यही टीम आ रही है पाँच साल ये टीम रही है उसके बाद भी अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इन्होंने रिजॉल्व नहीं किए और ड्यूरिंग द टाइम क्या हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन और पूटा के बीच में इतनी बड़ी खाई बन गई है कि वो डायलॉग कर ही नहीं पा रहे हैं हमसे लोग ये भी कहते हैं कि आप तो वीसी टीम हो जबकि हम ये कहते हैं कि हम वीसी टीम नहीं है हम तो टीचर्स पूटा हैं जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायलॉग नहीं होगा जब तक आप उनके साथ नेगोशिएट नहीं करोगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर प्रोटेस्ट भी करेंगे बट अगर आप इतनी ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे जहाँ पे वो मुद्दे अभी भी एज इट इज़ ही हैं और आप सिर्फ चिट्ठी लिखने तक ही पूटा रह गए हो तो वो चीज़ें कभी रिजॉल्व नहीं होती इस पर ही मैं आऊँगा वीसी खेमे की एक ख़ास बात करते हैं आप पे एलिगेशन भी वो लगाते हैं और वो कहते हैं जो वीसी का व्यवहार है वो सही नहीं है हमारे प्रति इस पर आप क्या कहना चाहेंगे क्या पुट्टा अपनी बात ढंग से नहीं रख पाती उस टाइम देखिए टीचर्स की रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात है और इसमें ये मैटर नहीं करता कि कौन सा ग्रुप है चाहे दूसरा ग्रुप हो चाहे हमारा ग्रुप हो हमारी प्रायोरिटी यही है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है वो टीचर्स को रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्टफुली ही डायलॉग होना चाहिए इसके तो हम बिल्कुल उसमें फेवर डिग्निटी को हम बात करें किस तरह का आपको लगने वाला है ये इलेक्शन कल होने वाला है आप अभी भी जा रहे हैं टीचर्स से मिल रहे हैं क्या इस बार आपको लग रहा है कि टीचर्स आप पर विश्वास जिताएंगी और कौन कौन से वायदे वो जो खास रहने वाले हैं इस बार? जी इस बार हमें लग रहा है कि लोग चेंज चाहते हैं क्योंकि पाँच साल से एक टीम आ रही है और एक डेड लॉक क्रिएट हो रखा है कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है मुद्दों का अगर कोई रिजोल्यूशन नहीं होगा तो फिर उसी टीम को ला फिर फिर रिजोल्यूशन नहीं होता तो कोई फायदा नहीं है तो लोग मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव चेंज के लिए वोट डालेंगे और बड़ी संख्या में लोग आएंगे और उसमें भागीदार बनेंगे चेंज में और मुझे लगता है कि जो हमारे प्रमुख मुद्दे जो हमने उठाए हैं जिसमें सेवन्थ पे कमीशन की सैलरी को रिलीज़ कराने का एक मुद्दा है ये सेवन्थ पे स्केल हमें एक जनवरी 2016 से मिला है और ये हमारा जो सैलरी के अंदर आना है वो अभी नवंबर पेड इन दिसंबर के लिए हम ट्राई करेंगे कि वो आए और उसका एक सर्कुलर जो पे फिक्सेशन का ऑर्डर जिसको हम कहते हैं वो आज ही रिलीज हो जाना चाहिए हमारे तो ये डिमांड है दूसरा ओल्ड पेंशन स्कीम जिस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने अपना प्रिंसिपली एग्री किया है कि हम ओल्ड पेंशन देंगे तो एक हमारा जो खुद का पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कॉर्पस है उसके थ्रू हम पेंशन देते हैं तो उसका जब गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा पंजाब गवर्नमेंट का उसके बाद देख करके कि हमारी कम्युनिटी को टीचर्स को स्टाफ को कौन सी पेंशन में फ़ायदा है उसके हिसाब से फिर हम इस आ, मुद्दे को भी आगे बढ़ाएंगे इसके अलावा हमारा जो सीनियर कोलीग्स हैं सिक्सटी प्लस ईयर्स के उस उस उनको भी काफ़ी जो है अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है उसमें पुटा ने भी उनका कोई सहयोग नहीं किया तो उसमें हम ये चाहेंगे कि हमारा प्रशासन जो है उनकी जो रिटायरमेंट एज है उसको 65 इयर्स करें नहीं तो उनकी रीएम्प्लायमेंट सिक्सटी फाइव ईयर्स तक करें और उनको कमिटीज़ में प्रॉपर रिस्पेक्टफुली पोजीशन दें एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में पोजीशन दें और उनको स्टूडेंट्स गाइड कराने के लिए रिसर्च लैब की भी व्यवस्था कराएं और एक हमारा जो यंग कोलिग्स हैं जिनका मुद्दा है कि कैश के जो हैं वो काफ़ी टाइम से नहीं हुए हैं जनवरी 2021 में लास्ट कैश प्रमोशन हुए थे और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान पुटा के जो अध्यक्ष हैं मृत्युंजय कुमार जी वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सीनेट के इलेक्शन ना हो उसमें बने हुए हैं एक पार्टी अपने लेवल पे तो अगर वो उसमें पार्टी रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि डीन के इलेक्शंस की बात नहीं कर पाएंगे कैश परफॉर्मस की बात नहीं कर पाएंगे तो हमने ये आ, आ, अपना एक रिप्रेजेंटेशन अथॉरिटीज़ को दिया था और अथॉरिटीज़ ने उस रिप्रेजेंटेशन पे गौर करते हुए इस बात को स्वीकार किया है और डीन के इलेक्शंस जो हैं एक दिसंबर 2022 को Uh, क्या नाम है शेड्यूल किए हैं और उस उसे मैं आपसे आऊँगा मैं आपको टोक रहा हूँ कि जो ये पुट्टा का लास्ट ग्रुप था अभी डॉक्टर मृत्युंजय इनका है। इनके करके इनका कहना है कि हमने काफ़ी वायदे जो किए थे वो पूरे कर दिए चाहे सेवंथ पे कमीशन की आप बात कर रहे हैं मैनीफेस्टो में कई ये चीज़ कह रहे थे कि हम टीचर्स को साथ लेके आए हैं और उनके साथ लार्जर ग्रुप है टीचर्स का इस पर आपका क्या कहना मेरा इस पर यही कहना है कि उनसे आप ये भी पूछिएगा कि जो इलेक्शंस दो महीने पहले शेड्यूल थे वो उन्होंने टाइम पे क्यों नहीं कराए उसका एक रीज़न ये था कि उन्होंने ये कहा कि अगर हम इलेक्शन अभी कराते हैं तो क्या लेके हम जाएंगे क्योंकि उन्होंने धरना दिया सब कुछ किया उन्होंने कहा कि हमने सेवंथ पे करा दिया है बट वो नोटिफिकेशन ही अभी कुछ दिनों पहले निकली हुई है तो वादे करना चिट्ठियाँ लिखना और मैनिफेस्टो में स्टेटस रिपोर्ट देना कि हमने सारे काम करा लिए हैं सिर्फ उससे बात नहीं बनती आप टीचरों से जाके मिलिए अभी भी उनके मुद्दे जो हैं वो एज़ इट इज़ हैं हमारी कोशिश यही है कि जो वादे हम कर रहे हैं या कुछ वादे जो उन्होंने किए जो फुलफिल नहीं हो पाए हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट कराया जाए नोटिफिकेशन होने से मतलब नहीं होता नोटिफिकेशन तो एक पार्ट है पर जब तक सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आती है तो हमें कैसे लगेगा कि पे मिल गया हुँ. हम लोग वाइस चांसलर से मिले एडमिनिस्ट्रेशन से मिले और उनको हमने कहा है कि कैश प्रमोशन जो 2021 में लास्ट हुई थी जनवरी में आई थिंक उसके बाद से डेढ़ केसेस हैं टीचर्स के जो अभी तक नहीं हुए वो अभी भी लंबित हैं हमने उनसे मिला है और हम ये कह रहे हैं कि आप कैश प्रमोशंस कराएं जो सैलरी है वो टाइमली आनी चाहिए और जो वादे हमने किए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई भी चीज़ डायलॉग के साथ ही पॉसिबल होती है हमेशा आप प्रोटेस्ट करो हमेशा आप एक डिस्टेंस मेंटेन करो उससे कभी भी मुद्दों का समाधान नहीं होता है अच्छा सर गेस्ट लेक्चर की हम बात करें जो गेस्ट लेक्चर आ रहे हैं उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन होता है आपको पता होगा उनकी अभी सैलरी भी नहीं बढ़ी है उन्हें कई राइट्स नहीं है उसके लिए कुछ मैनिफेस्टो में आपने रखा है जी उनके लिए हमने रखा है क्योंकि जो गैस फैकल्टी है उसके ऑनरियम है वो सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से उनको मिलना चाहिए जो कि अब बढ़ गया है और जो हमारे टेम्प्रेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनका भी सॉल्यूशन का हमने एक प्रोविज़न बनाएंगे क्योंकि वो डायरेक्ट अभी मेंबर नहीं है तो हम एग्जैक्टली exactly उनके जो इश्यूज़ हैं उनको इसमें लिस्ट आउट नहीं कर पाए हैं लेकिन जो भी हमारे संज्ञान में उनकी प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम जरूर लेंगे इसके अलावा यू जो फैकल्टी हमारे लगी हुई हैं उनकी सैलरी भी एक एक फर्स्ट ऑफ द डे को नहीं आती है तो हमारा ये भी कोशिश रहेगी कि उनकी भी सैलरी जो है फर्स्ट ऑफ़ द मंथ को क्रेडिट हो उनके अकाउंट में यूनिवर्सिटी के द्वारा और ये जो इनकम पुट, पुटा है वो क्या करती है कि लोगों को बुद्धों से भटका देती है तो सही में जो इश्यूज़ हैं उन पर काम करने की ज़रूरत है और फोकस्ड रह के काम करने की ज़रूरत है और वो ही हम कराएंगे डॉक्टर नरेश और नीरज ग्रुप हैं कल पुट्टा के इलेक्शन है इसको लेकर इस बार ये ग्रुप कह रहा है कि चेंज आना चाहिए इसको लेकर लगातार ये टीचर्स से मिल भी रहे हैं देखना होगा कल पुट्टा के इलेक्शन में क्या होता है काफ़ी वायदे इन्होंने किए हैं लेकिन खास वायदा ये जो रहा कि कैंपस है जो बंदरों से फ्री होगा स्ट्रेट डॉग से फ्री होगा अब देखना होगा कल क्या होता है कैमरा रजत के साथ भगवत सिंह पंजाब के सी जगबानी टी चंडीगढ़